दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज नहीं बल्कि बचपन से ही अपने काम को लेकर समर्पित स्वभाव वाले रहे हैं। अन्ना आंदोलन से सबसे ज्यादा चर्चा में आए अरविंद केजरीवाल स्कूल और कॉलेज लाइफ से ही तेज दिमाग के रहे। सिविल सर्विस छोड़कर केजरीवाल ने अपनी अलग एक राजनीतिक जमीन तैयार की, आम आदमी पार्टी बनाई और एक दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। आइए आपको बताते हैं केजरीवाल के बचपन और कॉलेज के दिनों की खास बातें। 16 अगस्त 1968 को जन्माष्टमी के दिन जन्मे केजरीवाल को उनके दादा दादी कृष्णा के नाम से बुलाते थे। केजरीवाल ने एक अलग तरह की राजनीति शुरू की जिसमें धर्म, जाति और भाषा के आधार पर कोई लकीर नहीं खींची गई। स्कूल में हमेशा केजरीवाल चुपचाप बैठकर सीखने वाले स्टूडेंट के तौर पर जाने जाते। बचपन से ही उनकी छवि साफ सुथरा चेहरा और मोटे बालों में कंघी किए हुए एक छात्र की थी। केजरीवाल क्रिकेट और फुटबॉल से कहीं ज्यादा शतरंज और किताबों में रुचि रखते थे। पेंसिल और स्केच बुक उनके झोले में हमेशा होती। 11 साल की उम्र में भी केजरीवाल जो भी देखते, चाहे वो पेड़ हो, घर हो या जानवर, उसे स्केच बुक में उकेर देते। केजरीवाल को स्कूल में डिबेट कंपटीशन में भागीदारी के लिए चुना गया। उन्हें अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करना था, लेकिन प्रतियोगिता से एक रात पहले उनकी तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार के बाद भी पिता के साथ स्कूटर पर बैठकर कंबल में लिपटे हुए केजरीवाल आयोजन स्थल पर पहुंच गए। सभी उन्हें देखकर हतप्रभ रह गए। अपने शिक्षकों में केजरीवाल मिसेस चोपड़ा से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। बायोलॉजी की इस टीचर के साथ बैठकर केजरीवाल भविष्य की योजनाओं पर सबसे ज्यादा चर्चा किया करते थे। कॉलेज के दिनों से ही केजरीवाल को थिएटर में बेहद रुचि थी। आईआईटी खड़गपुर में अपने अंतिम वर्ष में केजरीवाल हिंदी ड्रामा सोसाइटी के अध्यक्ष भी बन गए। उन्हें जानने वालों का मानना है कि उनके सार्वजनिक भाषणों में आत्मविश्वास थिएटर से ही आया। केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार स्थित कैंपस स्कूल और उसके बाद सोनीपत में स्थित कृष्ण स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। स्नातक के लिए आईआईटी खड़गपुर में उन्होंने दाखिला लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 1989 में टाटा स्टील से अपना करियर शुरू करने वाले केजरीवाल को ये नौकरी रास नहीं आई और 1992 में इस्तीफा देकर उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्लियर करने के बाद केजरीवाल ने आईआरएस की जिम्मेदारी संभाली। सरकारी अफसर के तौर पर काम करने वाले केजरीवाल ने यहीं से राजनीति को समझना शुरू किया। इसके बाद जो हुआ उसे पूरे देश ने ना सिर्फ देखा बल्कि कई दफे केजरीवाल और उनके काम को सराहा भी गया। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।